तो अब हेयरिंग पॉसिबल कैसे होती है? बहुत आसान सी बात है, होगा क्या कि यहाँ से एक्सटर्नल ईयर में आवाज़ आएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो मूव करेगी इनवर्ड एंड आउटवर्ड, बार बार मूव करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, मेलियस में मूवमेंट आएगी, वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, मेलियस इनकस में ट्रांसमिट करेगा, इनकस स्टेपीज में, जब स्टेपीज आगे पीछे मूव करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास ये स्केला वेस्टिबुलाई में जो फ्लूड है दैट इज़ पेरिलिम्फ, वो उसमें मूवमेंट स्टार्ट होगी। और वो होता है हमारे पास होगा ये कि ये जो स्टेपीज है जब ये मूव करेगा इनवर्ड का मतलब ये कि टूवर्ड्स द कॉकलिया, अंदर की तरफ मूव करेगा तो प्रेशर एग्जर्ट होगा स्केला वेस्टिबुलाई, वो प्रेशर सारा रास्ता स्केला वेस्टिबुलाई से ट्रांसमिट होगा। अगर वो साउंड फ्रिक्वेंसी हमारी ऑडिबल रेंज से कम है, ठीक है, अगर हम उसे सुन नहीं सकते तो होगा क्या कि ये सारा रास्ता वो ट्रांसमिट होगा स्केला वेस्टिबुलाई से, स्केला टिम्पेनाई में आएगा, नीचे आ जाएगा इधर, यहाँ पर आके, और इधर राउंड विंडो है, राउंड विंडो क्या करेगी, आउटवर्ड बल्ज कर जाएगी, क्योंकि इधर से अंदर की तरफ प्रेशर आया था, इधर से प्रेशर बाहर निकल जाएगा, इस तरह प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा। और इसके ऑपोजिट जब ये मूव करेगा बाहर की तरफ इस तरह, तो इधर से राउंड विंडो अंदर की तरफ चली जाएगी, तो ये होता है इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर। लेकिन अब इसमें साउंड की प्रोडक्शन तो कहीं हुई नहीं है, अब वो कैसे होगी हमारे पास, होगा ये जब हमारे पास इस तरह की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आती है जो कि हमारी ऑडिबल रेंज में लाई करती है, तो इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर वाला काम तो तब भी होता है, तो उसके साथ साथ ही होता है कि जब स्केला वेस्टिबुलाई में जो फ्लूइड है दैट इज पेरिलिम्फ वो हिलता है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो नीचे पड़ी हुई नीचे आ जाती हैं कुछ वाइब्रेशंस ऑफ साउंड जो इस दरमियान वाले स्केला मीडिया में भी ट्रांसफ़र होती हैं, वो स्केला मीडिया की जो नीचे सबसे पड़ी हुई है बेजिलर मेम्ब्रेन इसको हिलाती हैं, जो वाइट वाली बेजिलर मेम्ब्रेन है जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, बेजिलर मेम्ब्रेन जब मूव करती है तो उसके ऊपर पड़ा हुआ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई वो भी मूव करता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में मैंने अभी आपको दिखाया कि बहुत सारे हेयर सेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये शो भी हुए में, ठीक है, जब ये बेजिलर मेम्ब्रेन नीचे वाली मूव करेगी तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के जो सेल्स हैं सारे मूव करना शुरू कर देंगे, उनमें से इनर और आउटर हेयर सेल्स भी मूव करेंगे, इनर हेयर सेल्स सबसे पहले और जल्दी मूव करते हैं, इनर हेयर सेल्स मूव करेंगे तो इनके ऊपर लगे हुए स्टीरियोसिलिया भी मूव करेंगे, जब स्टीरियोसिलिया मूव करेंगे तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी मूव करेगी, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। अब जब स्टीरियोसिलिया जो है बेसिकली इनके पास पड़े होते हैं कैटायन कंडक्टिंग चैनल्स, एक मिनट इसकी तस्वीर दिखाती हूँ, अच्छा ये हमारे पास है जी स्टीरियोसिलिया, असल में होता ये है कि एक सबसे लंबा स्टीरियोसिलिया होता है, फिर एक उससे छोटा होता है, एक सबसे छोटा, हर हेयर सेल पे इस तरह से स्टीरियोसिलिया पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हेयर सेल है जो टेक्टोरियल में उसकी सॉरी कॉर्टाई ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर था, उसके ऊपर से ये इस तरह से स्टीरियोसिलिया निकल रहे होते हैं, एक सबसे लंबा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, जो ये सबसे लंबा वाला स्टीरियोसिलिया ये एग्जैक्टली टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हो रहा होता है जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, बाकी दोनों टिप लिंक्स के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब जब साउंड फ्रिक्वेंसी आती है, एक दफ़ा सपोज स्टेपीज ने इनवर्ड मूव किया और सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हिले, इनवर्ड और स्टेपीज के मूव करने की वजह से होगा ये कि जब नीचे से बेजिलर मेम्ब्रेन मूव करेगी तो बेजिलर मेम्ब्रेन ही अपवर्ड मूव करेगी, क्योंकि नीचे ऐसे आया था जब हमारे पास, और स्केला टिम्पेनाई में फ्लूइड मूव करेगा तो बेजिलर मेम्ब्रेन अपवर्ड की तरफ मूव करेगी, बेजिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर ये हेयर सेल्स के ऊपर स्टीरियोसिलिया, तो स्टीरियोसिलिया भी ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे या राइट मूव करेंगे तो ये मजीद टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और इनके टिप लिंक्स भी इसके तरफ आएंगे, जैसे कि इस डायग्राम में शो हुआ है, ठीक है, कि अंदर की तरफ मूव किया ये भी उसके अंदर घुसा और टिप लिंक्स भी इसकी डायरेक्शन में मूव किया, यानी डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर स्टीरियोसिलिया सारी चीज़ें मूव करेंगी, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द हेयर सेल। और डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा कि इसके टिप्स ऑफ द स्टीरियोसिलिया पे हमारे पास पोटेशियम चैनल्स होते हैं। अब याद रखना हमारे पास जो पूरे की पूरी कॉकलियर डक्ट या फिर स्केला मीडिया था उसमें जो फ्लूइड होता है उसे एंडोलिम्फ कहते हैं, और उसकी खास कैरेक्टरिस्टिक बात है कि उसमें पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता लेकिन वो उसमें पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब जब यहाँ के सेल्स जो पोटेशियम गेटेड चैनल्स हैं या आयन कंडक्टेड चैनल्स हैं वो खुलेंगे तो बाहर पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, फटाफट सेल के अंदर बहुत सारा पोटेशियम आ जाएगा, इस पोटेशियम के सेल के अंदर आने की वजह से हो जाएगी डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन जैसे ही होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास इस हेयर सेल में मजीद चैनल्स होते हैं, वो होते हैं कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम सेल के अंदर आ जाएगा, कैल्शियम सेल के अंदर आएगा तो सेल के अंदर पड़ा हुआ स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, और न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज़ होगा तो साथ ही यहाँ पर पड़ी हुई थी वो वाली जगह थी, मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ जी, तो ये वाले मैं बताई थी कि ये इनर हेयर सेल है, सपोज इनके स्टीरियोसिलिया में से कंडक्टिंग चैनल्स थे और वो कंडक्टिंग चैनल्स में जब पोटेशियम आया, पोटेशियम की वजह से डीपोलराइजेशन हुई, फिर कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, न्यूरोट्रांसमीटर जो वो हेयर सेल्स के इधर नीचे वाले पोर्शन से रिलीज होगा, मोस्टली इनर हेयर सेल्स ग्लूटामेट रिलीज करते हैं और आउटर हेयर सेल्स एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होगा तो यहाँ से जा रही है ऑडिटरी नर्व, ये जो ऊपर वाली जगह पर मैं आपको दिखाऊंगा एक्जैक्टली, तो ये जगह है जहाँ पर ये छोटे से इनर हेयर सेल्स और यहाँ से ग्लूटामेट रिलीज करेंगे तो वो जाके ऑडिटरी नर्व जो है हमारी नॉर्मली जिस तरह साइनैप्स बनता है उस तरह का साइनैप्स बनेगा, ऑडिटरी नर्व जो स्टिमुलेट होगी वो ले जाएगी मैसेज ब्रेन में, तो ये छोटा सा तरीका है सारा स्टिमुलेशन का, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है।
तो इस तरह से हमारा साउंड का मैसेज जाता है. अब डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं तो वो डिफरेंट तरीके से किस तरह स्टिमुलेट होती है. असल में हमारा जो पूरी ये कॉकलियर डक्ट है, ये जो ऊपर हमने शो की थी ये वाली, इसमें हर जगह हर हेयर सेल जो है वो एक स्पेसिफिक साउंड फ्रिक्वेंसी पे स्टिमुलेट होता है. अगर सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव जो है वो इधर इस जगह वाले हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव है इधर टिप ऑफ द जो कॉकलियर डक्ट को स्टिमुलेट करते हैं, टिप ऑफ द कॉकलियर डक्ट वाले पोर्शन को हेलिकोट्रीमा कहते हैं. तो इस वजह से, क्योंकि स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड स्पेसिफिक एरिया को स्टिमुलेट करती है, तो जब हाई फ्रिक्वेंसी साउंड आएगी तो ये वाले हेयर सेल्स, इनर हेयर सेल्स स्टिमुलेट होंगे, यहाँ से ऑडिटरी नर्व जाएगी और ब्रेन में फिर स्पेसिफिक एरिया में जाके इंटरप्रेट होगी. अगर मिडिल वाले होंगे तो इधर से जाएगी, सबसे बहुत कम फ्रिक्वेंसी की साउंड होगी तो इधर से जाएगी. इस तरह से डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑफ साउंड में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क. थैंक यू.